इस नफ्स की इस्लाह ये है, आपकी और मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी से उलझेंगे, हम झगड़ेंगे नहीं, हम फसाद को पसंद नहीं करेंगे। मोमिन होता ही वो है जिसके ईमान का दाइया मजबूत होता है, वो उतना ही अमन पसंद होता है। वो कभी भी पसंद नहीं करता कि उसके उसके माशरे में किसी किस्म का फसाद हो। वो हमेशा अफरा तफरी से, हमेशा शर्मगेजी से, खून रेजे फसाद से दूर रहता है। और कहते ही इसको मोमिन है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है, हवाबुन व हरबुन, अफरा तफरी आम हो जाएगी और शर्मगेजी फैल जाएगी, खून रेजी आम हो जाएगी। हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। अगर इस नफ्स की इस्लाह करनी है, जहां भी झगड़े फसाद और जंगो जलाल की बात हो, वैदा खातलम जाहिलु कालु सलाम, भाई मैं माजत, मैं झगड़ा नहीं, समझ आपको मेरी बात नहीं आई, मैं माजत पाऊँ, अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरे अंदर सलाहियत पैदा करे, मेरी इस्लाह करे कि मैं आपको समझा सकूँ, या मेरी अल्लाह जलाल इस्लाह कर दे अगर मैं किसी तरह से खड़ा हूँ। ये है मोमिन बंदे का नफ्स, फौरन अपनी गलती को तस्लीम कर लेना और अल्लाह के हवाले कर देना, और जंगो जिदाल के लिए और बहसो तकरार के लिए तैयार हो जाना। ये नफ्स मुजादिला जो है, जिदाल करने वाला ये इंसान को किसी वक्त किसी